वेलकम बैक टू माय चैनल सुनिधि ब्लॉग्स एंड ब्यूटी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मंडे है और दोपहर के 3:30 का टाइम हो रहा है और मैं अभी से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए और कमेंट कर जरूर बताइए आपको ब्लॉग कैसा लगा। तो बस अभी धैर्य खेल रहा है, मैं आप लोगों को धैर्य से मिलाती हूँ और फिर धैर्य उसके बाद धैर्य को मैं सुलाऊंगी क्योंकि उसके सोने का टाइम हो गया हुआ है। तो धैर्य से आप लोग मिल लीजिए। तो मिल लीजिए आप लोग धैर्य से, यहाँ धैर्य बैठे हुए हैं। आज उनका मूड ठीक नहीं है, वो आप लोगों को हेलो बिल्कुल भी नहीं बोल रहे हैं। मैं कितनी बोल रही हूँ धैर्य हेलो बोल दो, लेकिन वो नहीं, धैर्य हेलो बोलने के एकदम मूड में नहीं है, धैर्य हेलो नहीं बोल रहे हैं, देख लीजिए आप लोग। लोग साला शेयर करने वाली हूँ अपने डिनर का रूटीन और मैं आज स्पेशल कुछ बनाने वाली हूँ डिनर में, तो उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को देखिएगा लास्ट तक, बिल्कुल ही स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं तो प्लीज लाइक कीजिए मेरी वीडियो को और लास्ट तक देखा कीजिए वीडियो को। और फिर मैं डिनर बनाने के बाद मैं आप लोगों से कुछ जरूरी बातें भी करने वाली हूँ आज, जो कि मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो मैं आ गई हूँ किचन में डिनर की तैयारी करने के लिए। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर 3 कप आटा, उसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच नमक और 2 चम्मच तेल। मैं आलू की पराठे की रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो बस मैं आटा लगा रही हूँ उसी के लिए, तो नमक और तेल डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी और बस आटा लगा लूंगी। सॉफ्ट डो बनाना है हमें, इसका सॉफ्ट आटा गूंदना है, जैसे हम लोग रोटी के लिए गूंदते हैं वैसे ही। तो बस पानी डाल डाल के मैं इसका सॉफ्ट आटा लगा लूंगी और फिर इसे रेस्ट करने के लिए रख दूंगी 20 मिनट के लिए। 20 मिनट क्या, मेरे आटे तो कुछ ज़्यादा ही रेस्ट कर ली थी, मैं थोड़ी जल्दी ही बना रही थी, धैर्य सोया हुआ था। तो बस इसे ढक के रख दी हूँ मैं रेस्ट करने के लिए। और यहाँ पे ले ली हूँ 5-6 आलू उबले हुए, उसे मैं अच्छे से मैश कर लेता हूँ, एकदम छोटे छोटे उसे अच्छे से मैश कर लेना है। यहाँ पे मैं ली हूँ अदरक घिसी हुई, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर और 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई और धनिया की पत्ती बारीक कटी हुई। आलू को आप बहुत ही अच्छे से मैश करें, बिल्कुल भी बड़ा टुकड़ा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो हमारी जो पूरी होगी वो फट जाएगी। अब मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ नमक 1 छोटी चम्मच या फिर स्वाद अनुसार। फिर मैं इसमें डाल दूंगी धनिया की पत्ती और अच्छे से इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी और थोड़ी सी अजवाइन भी डाल दे रही हूँ, अजवाइन से टेस्ट भी अच्छा आएगा और ये जो आलू पराठा है वो सुपाच्य भी होगा, आसानी से पच जाएगा। अजवाइन हमें खाने में यूज करना चाहिए। तो बस अब इसे अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ, बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेनी है हमें इसे। तो ये देखिए मिक्स करके तैयार है, बस मैं इसे रख दूंगी। अब मैं चलती हूँ टमाटर की चटनी बनाने के प्रोसेस पे। मैं यहाँ पे ली हूँ 4 टमाटर जिसे मैं काट के चॉपर में डाल रही हूँ, इसे मैं अच्छे से चॉप कर लूँगी क्योंकि मुझे टमाटर की मीठी चटनी बनानी है। चॉपर में बहुत अच्छे से चॉप हो जाता है टमाटर, बहुत ही बारीक, बहुत सही रहता है और चटनी बहुत अच्छी लगती है इस तरीके से। तो अब मैं यहाँ पे ले ली हूँ एक मिक्सी के जार में धनिया की पत्ती और 1 हरी मिर्च, कुछ लहसुन की कलियाँ 5 से 6 और मैं इन सबको ग्राइंड कर लूँगी, पीस लूँगी क्योंकि धनिया पत्ती की चटनी बनानी है मुझे, ये भी मैं बनाने वाली हूँ। तो बस मैं इसमें थोड़ी थोड़ी पानी ऐड करके पीस लूँगी, अच्छे से इसका पेस्ट बना लूँगी। तो आज के डिनर में यही रहेगा मेरा, आलू के पराठे, हरी चटनी और मीठी चटनी। तो इसमें मैं नींबू डाल दे रही हूँ, धनिया की पत्ती वाली चटनी में मैं 1/2 नींबू डाल दे रही हूँ, नींबू की रस, और मैं डाल दे रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच नमक और 1 चम्मच के करीब सरसों का तेल और बस इसे मिक्स कर लूँगी। बस चटनी बन के तैयार है, कितनी ईजी है ना। और अब मैं बना लूँगी टमाटर की चटनी मीठी वाली। तो उसके लिए मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, वो गर्म हो चुकी है, उसमें मैं 2 चम्मच तेल डाल रही हूँ।
तेल के गर्म होते ही मैं इसमें डाल दूंगी जीरा। जीरा की जगह आप सौंफ भी यूज कर सकते हैं, पर मेरे पास सौंफ नहीं था और मैं ऐड कर दे रही हूँ हींग। अब मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ टमाटर जो मैंने चॉप करके रखा था, और मैं इसे मिक्स कर लूंगी अच्छे से। और आज का डिनर बनाते वक्त मुझे मेरी मदर इन लॉ का बहुत ज़्यादा याद आ रहा था, क्योंकि वो यहाँ नहीं है, वो भैया के यहाँ गई हुई हैं, और उनको ये टमाटर की चटनी और धनिया की चटनी और आलू के जो पराठे हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, तो आज का डिनर बनाते वक्त मैं उन्हें बहुत ज़्यादा मिस की। होता है ना, जो आप फेवरेट बनाओ, किसी का फेवरेट होता है तो आप बनाते हो वो चीज़, तो थोड़ा सा कमी खलती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा कमी खली उनकी। तो बस यही सब छोटी छोटी बातें हैं जो वो हो जाती है। तो फिर धैर्य उठ चुका है इस टाइम सो के, तो मैं उसके लिए नाश्ता निकाल रही हूँ, कॉर्नफ्लैक्स। और मैं कॉर्नफ्लैक्स और चटनी दोनों में चीनी ऐड कर दी हूँ। अब चटनी को लो फ्लेम पे 5 से 7 मिनट तक पका लूँगी और बस चटनी बन के तैयार हो जाएगी। और इधर धैर्य के लिए वो भी बनके तैयार है नाश्ता। तो अब मैं बना ले रही हूँ आलू के पराठे। ये क्लिप रात की है, जब मैं आलू के पराठे बना रही थी खाने के टाइम, तो बस मैं एक लोइया ले ली हूँ, उसे हल्की सी बिल के बस मैं उसमें आलू वाली स्टफिंग डाल दे रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर, इसे अच्छे से बंद कर दूंगी और हाथ के हेल्प से इसे फैला दूंगी, ताकि आलू जो है वो चारों तरफ बराबर से फैल जाए। अब मैं इसे सूखे आटे में डिप कर लूँगी और फिर इसे हल्के हाथ से बेल दूँगी। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है हमें इस पूरी को, थोड़ा मोटा ही रहेगा ये। तो ये देखिए मैं बेल ले रही हूँ। अब मैं इसे तवे पे डाल दूँगी और जब ये दूसरी साइड से हल्की सी पक जाएगी तो ऊपर से इसका कलर चेंज हो जाएगा, तब मैं इसे पलट दूंगी। और तब तक मैं दूसरी पूरी भी बेल ले रही हूँ उसी तरीके से, बेल के थोड़ी सी फिर मैं उस पर स्टफिंग भर दूंगी। और ये देखिए हल्की सी ये पक चुकी है दूसरे साइड से, तो मैं इसे पलट ले रही हूँ और फिर मैं दूसरी साइड में तेल लगा दूंगी इसके ऊपर। तो तेल लगा दी हूँ मैं और फिर मैं इसे पलट दूंगी और फिर दूसरे साइड भी तेल लगा लूंगी अच्छे से। तेल की जगह आप घी भी यूज कर सकते हैं, अगर माँ होती तो मैं घी में बनाती ये, क्योंकि उन्हें घी में ही पसंद है मुझे बहुत। तो अभी वॉइस ओवर करते टाइम भी मुझे माँ की कमी खल रही है, पराठे सीखते हुए देख के भी उनकी याद आ रही है। देखिए ये लॉकडाउन कब खत्म होता है और कब वो यहाँ आ पाती हैं। तो बस इसी तरीके से मैं दोनों तरफ से अच्छे से सेक लूँगी। इसी तरीके से मैं सारे पराठे को या फिर पूरी बोल लीजिए बनाकर तैयार कर लूँगी। बहुत ही यम्मी बने थे, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आए थे ये वाले पराठे, बहुत बहुत ही यम्मी बने थे। आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को भी बहुत पसंद आने वाली है ये रेसिपी। तो बस मैं दूसरी पूरी को भी उसी तरीके से बना ले रही हूँ। और फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो के शुरू में बोला था कि मैं आप लोगों से कुछ ज़रूरी बात करने वाली हूँ, पर मैं वो बात इस वीडियो में नहीं कर पाई क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, तो ज़्यादा लंबा वीडियो देखना कोई भी पसंद नहीं करता है। तो इसका पार्ट 2 आएगा, उसमें मैं वो बात शेयर करूँगी। बस 2 से 3 घंटे बाद ही वो ब्लॉग अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो ये है आज का डिनर, आलू के पराठे, मीठी चटनी, नमकीन चटनी। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करिए।